सब प्रकार की सिद्धि के लिए यहाँ बताया गया है कि रुद्राध्याय के केवल पाठ अथवा जप से ही समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है और प्रभु श्री सदाशिव भगवान श्री शंकर जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। सूत संहिता का कहना है कि रुद्र जापी महापातक रूपी पंजर से मुक्त होकर सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है और अंत में विशुद्ध मुक्ति प्राप्त करता है। रुद्राध्याय के समान जपने योग्य स्वाध्याय करने योग्य वेदों और स्मृतियों में आदि में अन्य कोई मंत्र नहीं है। रुद्र जापे विमोचेत महापातक पंचरात सम्यक ज्ञानम च लभते तेन मुंचते बंधनात्। अनेन सदृशम जप्यम नास्ते सत्यम श्रुतौ स्मृतौ। भगवान श्री रुद्र की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से रुद्र पाठ का अनंत फल है। वायु पुराण के अनुसार वह जीव उसी देह से निश्चित रूप से रुद्र स्वरूप हो जाता है, अर्थात सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। मम भावम समुत्सृज्य यस्तु रुद्रांचपेत सदा सतेनेव च देहेन रुद्रः संजायते ध्रुवम्। इस रुद्राभिषेक पाठ से अगर मानसिक रूप से भी हम भगवान शिव से प्रार्थना करें और इसका श्रवण करें तब भी हमें सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं एवं प्रभु श्री सदाशिव भगवान शंकर जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। श्री शिव पूजन विधि। भगवान श्री शंकर की पूजा के निमित्त पवित्र आसन पर पूर्वादि मुख या उत्तरादि मुख बैठ जाएं। पूजन तथा अवशेष की सामग्रियों को अपने दाहिनी ओर रख लें। गायत्री मंत्र से शिखा वंदन कर लें। यदि शिखा बंधी हो तो स्पर्श कर लें। पवित्रीकरण निम्न मंत्र से अपने ऊपर तथा पूजन आदि की सामग्रियों पर जल छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। पवित्री धारण निम्न मंत्र से पवित्री पहन लें। ओम पवित्रस्थौ वैष्णव्यौ सावित्रवः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुने तक्षकेयम्। आचमन। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। इन मंत्रों को बोलकर आचमन करें। ओम हृषिकेशाय नमः कहकर हाथ धो लें। प्राणायाम। प्राणायाम का मंत्र याद ना हो तो गायत्री मंत्र से प्राणायाम कर लें। रक्षा दीप प्रज्वालन। चावलों के ऊपर घृत दीपक को रखकर प्रज्वलित करें। हाथ धो लें तथा गंध पुष्प अक्षत से दीपक की पूजा करें। सर्वप्रथम भगवान श्री शिव पूजन तथा रुद्राभिषेक की अधिकार प्राप्ति के लिए प्रायश्चित रूप में गौण निष्क्रिय का संकल्प करें। अधिकार प्राप्ति अर्थ प्रायश्चित संकल्पः। हाथ में जल अक्षत पुष्प कुश तथा द्रव्य लेकर निम्न संकल्प करें। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अद्यः गोत्रः शर्माहं वर्माहं गुप्तोहं क्रियमाण रुद्र अवशेक कर्मणि अधिकार प्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विधि पाप शमनार्थं शरीर शुद्ध्यर्थं च गोनिष्क्रिय द्रव्यं गोत्राय शर्मणे आचार्याय
भवते संप्रदेता, बाद में दे देना हो तो दातु मुत्सृज्य कहकर हाथ का संकल्प जल तथा द्रव्य ब्राह्मण के हाथ में दे दें। गौ प्रार्थना, निम्न मंत्र से प्रत्यक्ष गौ माता की भावना पूर्वक प्रार्थना करें। गवांगमंगेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश यस्मात् तस्मात् शिवं मे यस्यादिहलोके परत्र च। अनेन गौदानेन पापापहा महाविष्णु प्रियंताम न मम। यदि श्री गणेश अम्बिका की प्रतिष्ठित मूर्ति ना हो तो किसी पात्र में अक्षतों के ऊपर कुमकुम से अष्ट दल कमल बनाकर सुपारी में मौली लपेटकर श्री गणेश तथा गौमय की गौरी को अक्षतों पर स्थापित कर दें। स्वस्ति वाचन, हाथ में पुष्प अक्षत लेकर निम्न स्वस्ति वाचन करें। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्थारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वा मरुतः प्रश्ने मातरः शुभञ्जावानो विदथे खुजग्मयः। अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पशेमाक्षव्रजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तिष्ठुवागुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्यकरा जरसं तनूनाम्। पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखिता युर्गन्तो अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमधृतिमाता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरिः ॐ मा गडानान्त्वा गडपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्मा अम्बे अम्बिकें बालिके न मानयति कश्चन ससत्स्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।